आज है गाना का सेकंड बर्थडे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ क्या क्या हम लोगों ने गाना के सेकंड बर्थडे पे किया। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिना नहाए धोया है गंदू सा बच्चा। आज गाना का क्या है? ये गिफ्ट मांग रहा है बेसिकली। अभी इसके लिए एक ट्रेन लेके आया है, ये बहुत दिन से ट्रेन मांग रहा था, तो अभी हम लोग उसको ओपन करेंगे और कान्हा को सरप्राइज देंगे। कान्हा इसका घर का नाम है, तो कान्हा चला लेना मैं बीच बीच में बोलूँ तो, वैसे अरब नाम है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। और अभी कुछ भी पता नहीं है कि पूरे दिन में हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी प्लान करके नहीं रखा है, सब कुछ बहुत ही रैंडम होने वाला है, तो बस देखते जाइए कि क्या क्या होता है। तो ये वाली ट्रेन है आरव के लिए, अब इसको हम लोग असेंबल करेंगे और फिर आरव का रिएक्शन देखेंगे। हम सब लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अभी फिक्स नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, वो बाहर जाकर ही पता चलेगा, तो फिर देखते जाइए आप आगे। पापा के भी छोड़ो, पापा के दादी दादू के, मम्मा के भी छोड़ो। दादी के भी, दादी के भी, दादी को दे दो। तो बस अब हम सब लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। आप देखते जाइए आगे आगे, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज कान्हा का बर्थडे है, तो हमने सोचा कि हम लोग बाहर सेलिब्रेट करते हैं कहीं पे घूम के फिर के, और उसके फेवरेट जगह पर जा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए आगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी मंजिल पे, अब हो रही है गाड़ी पार्क। हम लोग पहुंच चुके हैं सूरज कुंड में। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे आज कान्हा का बर्थडे मनाएंगे। ये रहा कान्हा, ये कान्हा, हाय गुरु, हाय। और ये रहे कान्हा के पापा। यहाँ पर आरव चल रहे हैं अपने पापा का हाथ पकड़ के। सूरज कुंड बहुत ही बड़ा मेला, और या कह लो आप, यहाँ पे अलग अलग कंट्री से लोग आकर अपनी शॉप लगाते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। जैसे कि कोई सिंगिंग दिखाता है, कोई डांस करता है, डांस का ग्रुप आता है, जैसे भी आप देख सकते हैं ये लोग खड़े हुए हैं, इनकी भी परफॉर्मेंस होती है। हैंडक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, और अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह की चीज़ें, और ऐसी यूनिक चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो शायद ही आपने कभी देखी होंगी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर जाकर, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिनको देख के ऐसा लगता था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। और आरव भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, और अच्छा लग रहा था कि वो भी इतनी सारी चीज़ें देख रहा है और कुछ सीख रहा है। सूरज कुंड है तो बहुत अच्छा, पर यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है।
और शायद बार्गेन भी नहीं करते हैं, ये फिक्स रेट है, कहीं कहीं करते हैं। और फिर हम लोग पहुंच गए मेले में, जहां पर काफ़ी बड़ी और छोटी यानी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए राइड थी। तो हमने एक राइड में आरव को बिठाया और पहले तो लगा था कि वो डर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने तो बहुत इन्जॉय की उस राइड को और पूरा कंप्लीट किया और बहुत ही खुश हो गया कि मज़ा आ गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं भूत बंगले में। इस भूत बंगले में जितने एक्साइटमेंट के साथ हम लोग गए थे, उतने ही डिसअपॉइंट होकर आए थे, क्योंकि ये भूत बंगला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस एक बंद रूम में हमको भेज दिया गया है और जोर जोर से हंसने की चिल्लाने की बस आवाज़ें आ रही हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम लोग सूरज कुंड से वापस अपने घर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक एक दिन में तो आप घूम ही नहीं सकते, इतना बड़ा है। और यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और ऊपर से आज हम लोग संडे को भी आए हैं, तो उससे भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी शॉपिंग करना तो बनता ही है, तो बस यहाँ पे हम करने लगे थोड़ी शॉपिंग। कान्हा जी थक चुके हैं हमारे, बिल्कुल टायर्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अभी और भी बाकी है व्लॉग, तो पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप घर बैठे बैठे सूरज कुंड घूम लीजिए हमारे साथ। यहाँ पर मम्मी जी ने कुछ पौधे खरीद लिए हैं और कान्हा को मिल गई हैं दो छोटी छोटी सी बर्ड, जिनको लेके वो बहुत ही खुश है। अब हम निकल चुके हैं घर जाने के लिए, होने वाली है शाम, तो अब आगे की प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग घर आ गए हैं और सभी लोग काफी थक गए हैं, बहुत ही चलना पड़ा वहाँ पे, और आरव भी बहुत थक गया है। तो हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और आरव को भी कुछ खिला देते हैं जिससे उसका टमी फुल हो जाए, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्लान करेंगे। आइसक्रीम अच्छी है, इसको आइसक्रीम मुंडी खिला देते हैं। आ गया है आरव का बर्थडे केक, तो चलिए हम साथ में मिलके केक कटिंग करते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने आरव के पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लो, पक्का आप लोगों के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। उसमें कान्हा का मतलब आरव का डेली रूटीन आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है, तो आप लोग वो जाके ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा।
डिनर फिनिश करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं अब घर। उतने में ही बीच में आरव को दिख गई स्वीट्स की दुकान, तो वो चॉकलेट की डिमांड करने लगा, तो बस उसे वही चॉकलेट दिला रहे थे। और जब से ट्रेन मिली है आरव को, वो ट्रेन छोड़ ही नहीं रहा है। रात हो गई है लेकिन वो जहाँ भी जाता है अपनी ट्रेन साथ में ही लेके जाता है। फिर सभी ने बोला कि सभी लोग शेक पियेंगे, तो यहाँ पे आ गए हैं आरव के पापा चॉकलेट शेक लेके सभी के लिए। जय श्री राम करूँगा ना कैसे? जय श्री राम का नाम। तो बस यहाँ तक ही था कान्हा का बर्थडे व्लॉग। बहुत ही प्यारा सा बर्थडे था, बहुत ही सिंपल सा हम लोगों ने बर्थडे किया कान्हा का। और अब बहुत सब लोग थक गए हैं, अब बस जा रहे हैं सोने के लिए। आते ही हम लोगों ने ढेर सारे कान्हा के गिफ्ट खोले जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे थे, सबने बहुत ही प्यार से दिए थे। देख सकते हैं ढेर सारे रैपर पड़े हुए हैं और पॉसिबल नहीं हो पाया कि इसी में मैं वो वाला वीडियो जॉइंट कर पाऊँ, तो इसलिए उसका वीडियो अलग से आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। बहुत ही प्यारे गिफ्ट हैं, आप लोगों को भी देख के बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग पूरी फैमिली मिलके खोल रहे थे गिफ्ट, तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा उसमें देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कान्हा को ढेर सारे आशीर्वाद देना कि कान्हा ऐसे ही पढ़ता रहे और हमेशा खुश रहे। तो बस बाय 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 बाय।